हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिस रस। तो आज मैं आपके लाई हूँ दिवाली की चौकी। दिवाली में भी लक्ष्मी पूजन के लिए चौकी लगाते हैं, तो जैसे मैं लगाती हूँ मैं उस तरह से आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने दीवार पर इस तरह से माला लगा रही हूँ मैं। ये मेरे पास आर्टिफिशियल माला है, आप चाहें तो असली फूलों की माला से भी अपने मंदिर को या चौकी को सजा सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल माला का ये होता है कि आप इसे एक दिन पहले से लगा कर सजा कर रख सकते हैं, और असली फूलों का तो ये है कि उसी टाइम लगाओ, काफ़ी काम हो जाता है दिवाली के दिन। तो मैं एक दिन पहले चौकी लगा लेती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आर्टिफिशियल माला ली है। और चौकी का आपको तरीका पहले से पता है, मैं नवरात्रि की वीडियो में बता चुकी थी। तो मैंने यहाँ वही कपड़ा और वही वाला यूज़ करा है, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले इसकी वीडियो बना रही हूँ। और इस तरह से मैंने माला को लगा लिया है डबल टेप की मदद से। और ये जो मैंने लगा रखी है, ये पान के पत्ते हैं। आप इसकी जगह चाहें तो अशोक के पत्ते या आम के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पान के पत्ते थोड़े अच्छे लग रहे थे। और ये डबल टेप के मदद से मैंने इस तरह से यहाँ गेंदे के फूल लगा लिए। और यहाँ पर ये मेरे पिछले साल के लक्ष्मी गणेश जी हैं, जब नए आएंगे तो नए रखूँगी। और ये पान के पत्ता मैंने उनके भोग के लिए रखा है। यहाँ मैंने फूल रखे हैं, लेकिन आप यहाँ पर हम लड्डुओं का भोग रखते हैं जिस टाइम पूजा करते हैं दिवाली की। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ अष्टदल बनाना, जो कलश के नीचे बनाते हैं। नवरात्रि की पूजा में मैंने वो जल्दी से बना दिया था, तो शायद आप लोगों को समझ में ना आया हो। तो अगर जिसको नहीं आता है अष्टदल बनाना, तो वो इस तरह से बनाए जैसे मैं बना रही हूँ। ये मेरे चावल हल्दी के रंगे हुए चावल हैं, आप चाहें तो सफ़ेद चावलों से भी अष्टदल को बना सकते हैं, क्योंकि कलश के नीचे अष्टदल बनाकर ही कलश को रखा जाता है। इस तरह से लाइनें बनाने से जो बिगनर हैं, जिन्हें बिल्कुल बनाना नहीं आता अष्टदल, मैं तो पूरे चावल रख के उंगली से बना लेती हूँ। लेकिन जिनको नहीं आता है, उनको मैं इस तरह से बता रही हूँ। पहले आप इस तरह से चावलों की लाइन बना लें। इससे आपको आसानी हो जाएगी और आपका जो अष्टदल होगा वो अच्छा बन जाएगा। इस तरह से आप ये काउंट कर लें, काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से 8 लाइनें होती हैं, आप देख सकते हैं। और अब आप इन्हें 2 लाइनों को इस तरह से चावल से लगा दें, तो एक तरह से फूल बन जाता है। तो इसलिए इसे अष्टदल फूल बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 जो होती हैं, ये जो लाइनें होती हैं वो 8 होती हैं, और ये इस तरह से जोड़ने के बाद ये फूल बन जाता है, इसलिए इसे अष्टदल बोलते हैं। और ये कलश के नीचे ज़रूर बनाना चाहिए। अभी मैं सिर्फ वीडियो के लिए आपको चौकी लगा के बता रही हूँ, इसलिए मैंने सारा सामान पुराना ही यूज़ किया है। लेकिन दिवाली वाले दिन जब मैं चौकी लगाऊंगी, तो मैं ये जो आसन वगैरह सब कुछ नया ही यूज़ करती हूँ। और अब आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको ये तैयार कर लेना है। अब आपको आसानी हो जाएगी इसे बनाने की।
काफ़ी लोग तो इसमें कलर भर देते हैं, लेकिन मैं इसमें चावल ही, क्योंकि मुझे कलश रखना है, लेकिन इसकी जो रंगोली है वो मैं अलग बनाती हूँ चौकी के नीचे, तो इसलिए मैं इसमें कलर नहीं भरूँगी, मैं इसमें चावलों को ही अंदर भरूँगी। ये हमें भरना भी होता है पूरा। अब आप इस तरह से चावलों को इसके अंदर डाल दें तो ये पूरा भर जाएगा आपका। ये जो बिगनर है सिर्फ उनके लिए, बाकी जिन्हें बनाना आता है तो वो पूरे चावल फैला कर उंगली से, जैसे मैंने नवरात्रि के टाइम बनाया था उस तरह से बना लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं बनाना आता ये असल, तो वो इस तरह से अपने आराम से और आसानी से बना सकते हैं और बहुत सुंदर भी बन जाएगा। तो ये कलश रखने के लिए इस तरह से ये कलश रखना है, उसमें जैसे मैं नवरात्रि पर कलश रखना था सेम वैसे ही आपको करना है। इसमें 5 पत्ते लगाने हैं अशोक के या आम के, और एक पानी वाला नारियल रखना है कपड़ा या कोई चुन्नी लपेट के। यहाँ मैं अष्टदल की ही रंगोली बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बना रही, जिस दिन दिवाली होगी मैं उस दिन बनाऊँगी। और मैं इस तरह से उसमें दिया रखती हूँ, इसलिए मैं आपको फूल रख के बता देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ अष्टदल बनाकर और तब इस दिए को रखती हूँ बड़े वाले को, और ये चांदी का सिक्का जो हम धनतेरस को लेते हैं, उस दिन धनतेरस की पूजा के बाद भी, फिर इसे दिवाली के दिन भी यहाँ रखती हूँ लक्ष्मी गणेश जी के पास। तो ये मेरे पास सब पुराना है, मैं सिर्फ एक आइडिया देने के लिए मैंने ये चौकी बनाई, लगाने की वीडियो बनाई है, तो इसलिए सारा सामान है वो सब मेरा पिछली साल का है। तो इस तरह से आप चौकी लगा सकते हैं। अब इसमें आप 5 फल भी रखे जाएंगे, और ये जो पोस्टर लगाया है, अगर आपके पास इसकी तस्वीर है इसलिए लगाया है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती, क्योंकि दिवाली की पूजा में लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ हमें सरस्वती की भी फ़ोटो लगानी होती है, तो इसलिए मैं ये पोस्टर ले आई थी। तो आप इस तरह से, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह चौकी लगानी है, अब आप पूरा देख लीजिए। और आप ये जो पत्ते हैं इस पर फूल ज़रूर लगाएं, इससे बड़ा अच्छा लुक आया है। और ये फ्रेश लेना, क्योंकि लगाना उसी दिन जिस दिन आपको चौकी लगानी है, वरना दूसरे दिन ये मुरझा जाएंगे और ये फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।